नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। प्रणाम आप सभी को। मैं डॉक्टर अलका अरोरा आज CFM राइटर्स एसोसिएशन के बहुत ही खूबसूरत और पावन बेला पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस शुभ उपलक्ष्य में आप सभी के समक्ष एक बहुत सुंदर और बहुत ही खूबसूरत काव्य पाठ लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें मेरे साथ 29 मेरी बहुत सारी प्यारी सखियाँ रहेंगी और हम एक बहुत ही खूबसूरत शाम लेकर आए हैं आपके बीच। मैं दो शब्दों से मैं जरूर आगाज करूंगी अपनी सारी सखियों का कि बाद बरसों इंतजार के आज ये दिन आया है, बाद बरसों इंतजार के आज ये दिन आया है कि CFM राइटर्स एसोसिएशन ने सजाई है महफिल और हम सबको बुलाया है। हम भी वादा आज दिल से सभी मिलकर निभाएंगे। विश्व के विशाल अंबर से चुनिंदा सितारे आज इस खूबसूरत शाम को सजाएंगे। मैं सभी सखियों को आभार नमन वंदन और प्रणाम के पुष्पों से समर्पण देती हूँ तथा मैं दो शब्द मैं CFM राइटर्स एसोसिएशन को जरूर समर्पित करना चाहूंगी, क्योंकि ये इतना खूबसूरत मंच है कि इससे जुड़ने के लिए सभी कवि कवित्रियाँ हमें आए दिन हमें कॉल करते हैं, हमसे जुड़ने के लिए वो लोग हमसे संपर्क साधते हैं, तो मैंने उनमें से ही कुछ चुनिंदा सितारों को बुलाया है और आज ये खूबसूरत महफिल सजाई है कि हमारी ये खूबसूरत संस्था CFM राइटर्स एसोसिएशन के लिए हमने ये शब्द समर्पित किए हैं कि हमारी ये खूबसूरत संस्था तो बुलंदी पर पहले से ही थी। कुछ हीरे मोती माणिक चांद और सितारे सिमट आए हैं आज पनाहों में हमारे, मुस्कुराएंगे खिलखिलाएंगे गुनगुनाएंगे मिलकर सभी। वादा है सभी कवित्रियों से कि ये इतनी खूबसूरत शाम मिलकर हम आप सभी के समक्ष सजाएंगे और इस खुशनुमा शाम को और खुशनुमा बनाएंगे। मैं सबसे पहला मेरा समर्पण जाता है जहांगीर आलम सर को, जिन्होंने हमें ये पटल दिया है और हमारी आज की ये खूबसूरत महिला दिवस की पावन बेला CFM राइटर्स एसोसिएशन की महफिल यहाँ पर सजाने के लिए हमें इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया है। मैं बहुत बहुत नमन वंदन और प्रणाम तथा शुभकामनाओं के पुष्पों से समर्पण देती हूँ तथा दो शब्द अपने श्रोताओं को देती हूँ कि आभार नमन मैं करती हूँ, चरणों में वंदन देती हूँ, मेरे प्यारे श्रोताओं को सुनने का निमंत्रण देती हूँ, तुमसे मिलने को तरसती रही कई दफा दुआएं लाख करी, मिला है मौका नसीब से ये दामन प्यार से भरना सभी, बस इतनी इल्तिजा करती हूँ जब भी गीत का मौसम आए दिलाप का कुछ गुनगुनाए, मुझको गीतों में बुला लेना, मुस्कान लबों पे ला करके हमसे रिश्ता फिर दोहरा लेना, मैं जर्रा हूँ इस दुनिया में दिल में थोड़ी सी जगह मुझको दे देना। मैं दीप्ति प्रसाद कोलकाता से CFM मंच को मेरा सादर नमन, साथ ही जहांगीर सर और अरोड़ा जी को भी मेरा सादर नमन और सभी बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि कल महिला दिवस है, इस पे मैंने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत की है जो आपके सामने इस तरह से मैं दे रही हूँ। मेरी कविता है मैं नारी हूँ, नारायण को भी अपने कोख में रखने की ताकत रखती हूँ, कितना ही मुझे दबाओ मैं शान से अपने सर को उठाकर चलती हूँ। हे नर, तू कभी नारी को हरा नहीं सकता, कभी भी नहीं, क्योंकि नारी जितना ही नहीं चाहती, याद रखना हराया उसको जाता है जो जीतने की इच्छा करे। नारी तो सदा उच्च है जन्म से, नारी तू अपनी हस्ती को इतना विशाल बना, भला ये जमाना क्या बताएगा तेरी पहचान। नारी जन्म देती है, पालती है, सिखाती है बोलना, मगर बड़ा दुखदाई है नर की गाली में उसका नाम होना। नर को नारी की शक्ति का अंदाजा उसी समय लग जाना चाहिए जब उसे लेने पूरी बारात लेकर जाता है, वो उधर से शेरनी की तरह अकेले जाती है। इसी के साथ मेरा काव्य पाठ यहीं पर समाप्त होता। आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, मैं भोपाल से रश्मि मिश्रा समस्त मातृ शक्ति को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आदरणीय जहांगीर आलम सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमें यह मंच दिया अपनी बात कहने के लिए, और कार्यक्रम की संयोजक अलका अरोड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है सुन मेरी चिरैया। मेरी कविता
उन बेटियों को समर्पित हैं जो आज राह चलते सहम जाती हैं, डर जाती हैं। उनके लिए एक संदेश है। सुन मेरी चिरैया, सुन मेरी चिरैया, तेरी उड़ान जमाने को खल रही है। सुन मेरी चिरैया, तेरी उड़ान जमाने को खल रही है। हर एक दिल में नफरत सी पल रही है, पर तू ना रोकना अपनी उड़ान को। तू ना रोकना अपनी उड़ान को, तोड़ सारी श्रृंखलाएं, नाप ले तू आसमान को, नाप ले तू आसमान को। अब हवा में जहर फैला है, अब हवा में जहर फैला है, हर एक दिल बहुत मैला है, हर एक दिल बहुत मैला है। स्वर्ण घट में जहर भर कर, स्वर्ण घट में जहर भर कर घूमते हैं व्याध सारे, स्वर्ण घट में जहर भर कर घूमते हैं व्याध सारे। इनके अधरों पर कुटिल मुस्कान है जो, इनके अधरों पर कुटिल मुस्कान है जो, तू समझ इनके इशारे। इनके अधरों पर कुटिल मुस्कान है जो, तू समझ इनके इशारे। तू कभी उम्मीद ना करना, तू कभी उम्मीद ना करना कि तेरा कोई साथ देगा, तू कभी उम्मीद ना करना कि तेरा कोई साथ देगा। संकट की घड़ी में कोई अपना हाथ देगा, संकट की घड़ी में कोई अपना हाथ देगा। तोड़कर उम्मीद सारी, तोड़कर उम्मीद सारी अपने दम पर उड़ान भरनी है, तोड़कर उम्मीद सारी अपने दम पर उड़ान भरनी है, अपने दम पर उड़ान भरनी है। अपने इन कोमल परों में, अपने इन कोमल परों में तुझे खुद ही जान भरनी है, तुझे खुद ही जान भरनी है। सुन मेरी चिरैया, सुन मेरी प्यारी चिरैया, सुन मेरी प्यारी चिरैया। नमस्कार। नमस्कार, मैं स्वाति सागर आज आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये कविता मैंने समर्पण को ध्यान में रख के लिखी है। समर्पण किसी भी रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी है और माँ बेटी के रिश्ते में माँ का समर्पण अथाह होता है, असीम होता है। तो प्रस्तुत है कविता माँ बेटी। नई कपोल जन्मी है, सुला दूँ उसे, रोने नहीं दे दूंगी। थकी हूँ पर उसे थकने नहीं दूंगी। देखो क्या सुकून आया चेहरे पर, देखो क्या सुकून आया चेहरे पर। झूम लूँ पर जागने नहीं दूंगी, जागने नहीं दूंगी। बड़ी होगी मैं साथ साथ रहूँगी, मेरे पैर पर उसके कदम रखूँगी। चलेगी मेरे सहारे से, चलेगी मेरे सहारे से, मैं चाहे छड़ी पकड़ लूँगी। झुक जाऊँ पर उसे झुकने नहीं दूंगी, उसे झुकने नहीं दूंगी। पैरों पर खड़ा करूंगी उसे, सहारा बन मैं पीछे से, बस उसे बढ़ते देखती रहूंगी। चश्मा पहने धुंधली सी नज़र, चश्मा पहने धुंधली सी दुनिया, मगर उसकी नज़र नहीं भटकने दूंगी, उसकी नज़र नहीं भटक दूंगी। थक के वो सिर रखेगी गोद में, थक के वो सिर रखेगी गोद में, मैं प्यार से सहला दूंगी। चल पड़ेगी वो नई ऊर्जा लिए, चल पड़ेगी वो नई ऊर्जा लिए, अपनी शक्ति उसे दूंगी, मार्ग में गिरने नहीं दूंगी। होगी मुझे तकलीफें हजार, होंगी मुझे तकलीफें हजार, अर्पित हूँ मैं उस पर बार बार, बारंबार, लगातार। अपनी माँ के बल को महसूस कर, अपनी माँ के बल को महसूस कर, चलती रहेगी, लड़ती रहेगी, यह जर्जर ढाल मजबूत उसे करती रहेगी, यह जर्जर ढाल मजबूत उसे करती रहेगी। ना देखे मुड़के हर बार, ना देखे वो मुड़के हर बार, सीख जाए समर्पण अपार, बने लौह स्त्री पाषाण खड़ी, योद्धा सी हमेशा डटी हुई। उसे दूर से मैं आशीष देती रहूंगी, दूर से आशीष देती रहूंगी। धन्यवाद। नमन मंच, मैं नंदिता माची शर्मा, मुंबई महाराष्ट्र से।
आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज CFM राइटर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इंटरनेशनल वुमेन्स डे के शुभ उपलक्ष्य पर मैं अपनी एक स्वरचित कविता, जिसका शीर्षक है अतुल्य अमूल्य माँ, आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आएगी। माँ की ममता निर्मल छांव है ऐसी, माँ की ममता निर्मल छांव है ऐसी, घायल जर्जर देह में भरते घाव जैसी। माँ की ममता निर्मल छांव है ऐसी, घायल जर्जर देह में भरते घाव जैसी। अटूट बंधन है निस्वार्थ भावनाओं का, अटूट बंधन है निस्वार्थ भावनाओं का, दरख्त पर लिपटे अमर बेल के लगाव जैसी। अटूट बंधन है निस्वार्थ भावनाओं का, दरख्त में लिपटे अमर बेल के लगाव जैसी। माँ की ममता निर्मल छांव है ऐसी। माँ से ही मिला जीवन का प्रथम श्वास हमें, माँ से ही मिला जीवन का प्रथम श्वास हमें, माँ की सलाह देती मुश्किल घड़ियों में आस हमें। माँ से ही मिला जीवन का प्रथम श्वास हमें, माँ की सलाह देती है मुश्किल घड़ियों में आस हमें। माँ तो बनाती है सबके लिए रोटियाँ एक समान, माँ तो बनाती है सबके लिए रोटियाँ एक समान, फिर क्यों माँ के हाथों से निवाले लगते खास हमें। माँ तो बनाती है सबके लिए रोटियाँ एक समान, फिर क्यों माँ के हाथों से निवाले लगते खास हमें। माँ ही हमें सर्वप्रथम संसार का स्वर्णिम ज्ञान भी देती, माँ ही हमें सर्वप्रथम संसार का स्वर्णिम ज्ञान है देती, शक्ति इसकी अनहोनी विपदाओं को भी टाल देती। माँ ही हमें सर्वप्रथम संसार का स्वर्णिम ज्ञान देती, शक्ति इसकी अनहोनी विपदाओं को भी टाल देती। ऋण न चुका पाओगे माँ के स्नेह का आजीवन कभी, ऋण न चुका पाओगे माँ के स्नेह का आजीवन कभी, माए अपनी सर्वस्व भुलाकर बच्चों के भविष्य में डाल देती। ऋण न चुका पाओगे माँ के स्नेह का आजीवन कभी, माए अपना सर्वस्व भुलाकर बच्चों के भविष्य में डाल देती। माँ की ममता निर्मल छांव है ऐसी, घायल जर्जर देह में भरते घाव जैसी। धन्यवाद। नमस्कार। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित प्रतियोगिता में मैं पूनम शर्मा स्नेहिल जमशेदपुर से आप सभी के समक्ष अपनी रचना लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है अबला नहीं मैं सबला हूँ। जा मौत के मुंह में जीवन देती, जा मौत के मुंह में जीवन देती, अबला नहीं मैं सबला हूँ। खुद को भूल सभी की परवाह करती, खुद को भूल सभी की परवाह करती, अबला नहीं मैं सबला हूँ। धरती से अंबर तक हमने अपने कर्तव्य दिखलाया, धरती से अंबर तक हमने अपने कर्तव्य दिखलाया, पर्वत के शिखर पर चढ़कर देश का झंडा फहराया, पर्वत के शिखर पर चढ़कर देश का झंडा फहराया। चांद पर जाकर हमने अपनी पहुंच सभी को बतलाई, रह मुश्किल में भी हमने अपना साहस दिखलाया, रह मुश्किल में भी हमने अपना साहस दिखलाया। संस्कारों की ओढ़ चुनरिया घर वालों का मान बढ़ाया, कई बार तो छोड़ के खुशियाँ रिश्तों का है मान बचाया। नहीं किसी से कम है हम हर पल ये सबको बतलाया, नारी रूप में शक्ति हूँ मैं अबला नहीं सबला हूँ मैं। सतयुग से आज के युग तक नारी ने जो काम किए, सतयुग से
आज के युग तक नारी ने जो काम किए, रह बंदिशों की बेड़ियों में भी जग में अपना नाम किया, रह बंदिशों की बेड़ियों में भी जग में अपना नाम किया, नजरों में जो हया भी देखी, नजरों में जो हया भी देखी, कमजोरी नहीं है करती हमको, नजरों में जो हया है दिखती, कमजोर नहीं करती ये हमको, ना समझो हमें तुच्छ सा प्राणी, ना समझो हमें तुच्छ सा प्राणी, अबला नहीं सबला हूँ मैं, कहीं माँ दुर्गा कहीं सरस्वती, कहीं माँ दुर्गा कहीं सरस्वती, कहीं काली का रूप हूँ, कहीं माँ सीता कहीं माँ गौरी, कहीं लक्ष्मी का स्वरूप हूँ, देख के घर मैं बाहर देखूं, देख के घर मैं बाहर देखूं, इतनी मैं मजबूत हूं, जा मौत के मुंह में जीवन देती, जा मौत के मुंह में जीवन देती, अबला नहीं मैं सबला हूं, अग्नि परीक्षा देने की अब बारी नहीं हमारी है, रण में बन झांसी की रानी, रण में बन झांसी की रानी, उत्तरी देश की नारी है, अबला नहीं सबला हूँ मैं, अबला नहीं सबला हूँ मैं, यह पहचान हमारी है, अबला नहीं सबला हूँ मैं, यह पहचान हमारी है। धन्यवाद। जय मां शारदे। मंच के सभी पदाधिकारियों को नमन वंदन, सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं लखनऊ से रीमा सिन्हा आज आप सबके समक्ष नारी सशक्तिकरण पर अपनी दो रचनाएं लेकर उपस्थित हूँ। वैसे तो नारी के विषय में कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है, फिर भी मैंने एक प्रयास किया है। नारी कब तक यूँ अविरल अश्रुधार बहाओगी, कब तक कातर क्रंदन सुना नटवर नागर को बुलाओगी, दृग्मुक्ता को अब बनने दो दाहक अनल, तुम जड़ चेतन की देवी हो तुमसे बढ़कर कौन सबल, तुम सिर्फ समता नहीं सर्वोच्चता की अधिकारिणी हो, तुम बिन अकल्पित जगत का सार, तुम सकल सुमंगलकारिणी हो, ध्वस्त करो इस मिथक दुर्ग को निस्संबल खुद बन जाओ, जगत जननी भवतारिणी हो तुम स्वयं की मार्ग प्रशस्ता बन जाओ। अब मेरा एक दूसरा बंद सुनिएगा। माँ भार्या बेटी बहु मृदु हृदय सुहासिनी, प्रवृत्ति तेरी शीतल शशि, हे नारी हर रूप में तू नारायणी, सहनशीलता असीम सुख दुख में सहगामिनी, आत्मसम्मान हेतु कृपाण उठाए तू अत्यंत स्वाभिमानिनी, पूजनीय तेरा प्रतिरूप माँ के रूप में अदम्य शक्तिशालिनी, बच्चों के लिए कुछ भी कर जाए तू जगदम्बा तू ही जगत तारिणी, सीप के लिए स्वाति बूंद सरीखी परिवार की आधारिणी, सबकी खुशियों में स्वयं आनंदित हे नारी तू मनोहारिणी, तू विश्व रचयिता कवि कल्पना वेद पुराण की तू ब्राह्मणी, कर्तव्य पथ पर सदा चलती हे नारी तू सदाचारिणी। धन्यवाद। उपस्थित सारी कवि कवयित्री विद्वानों को मेरा नमस्कार। मैं पारमिता षडंगी, आज मेरी कविता का शीर्षक है नारी। तुम्हें राज करने का अधिकार दिया था मैंने, तुम्हें राज करने का अधिकार दिया था मैंने, मान रही थी सारे हुकुम, तुम्हारी छाया के नीचे जकड़ गया था मेरा सम्मान बिना करवट लिए। प्रेम, प्रेम नर नारी के एक युद्ध, आदर्शों के भ्रम के कल्पना के विलास के, नष्ट हो जाता है दुर्बल, नष्ट हो जाता है दुर्बल, जीत जाता है बलवान, बुद्धि भी प्रबल हो जाती है इच्छा शक्ति के साथ। पति और पिता, पति और पिता के कर्तव्य, फिर और क्या काम है पुरुष का, बंद है दरवाजा, कैसे रोकूं, कैसे रोकूं तुम्हारी हिंसात्मक प्रवृत्ति के आहट को, कैसे रोकूं तुम्हारी हिंसात्मक प्रवृत्ति के आहट को, कोशिश है मेरी बार बार, कोशिश है मेरी बार बार अंकुरित होने के लिए, मगर काट दिया है तुमने जड़ को मेरी, सूख गई हूँ मैं,
सूख गई हूँ मैं, मेरा अस्तित्व सूखा रेगिस्तान है जिंदगी मेरी। फिर भी झांक रहा है एक साया सम्मान मेरा। अहल्या हूँ, सीता हूँ, द्रौपदी भी हूँ, एक नारी हूँ मैं। सृष्टि होती है मुझसे, विनाश भी। क्रोध मत दिलाओ, देखो क्रोध मत दिलाओ, वरना गुम जाओगे तुम, खो जाएगा बुनियाद। और उस वक्त करवट ले रहा होगा, और उस वक्त करवट ले रहा होगा अन्य एक नया युग। नमस्कार। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरी आज की कविता का शीर्षक है सुनो स्त्री। सुनो स्त्री सुनो, कब खोलोगी सांकल अपने भीतर की, माना बहुत सलीके से सजाया तुमने घर आंगन, मुस्कुराहटों को जगह दी हर उदास आंखों में, पर क्यों भूली रही अपने ही केशों को सुलझाना, क्यों नहीं टांक दिए कुछ तारे अपने ही आंचल में, क्यों नहीं झांक कर देखा चांद खिड़की से, क्यों नहीं की उससे ढेरों लंबी बातें। सुनो मत स्त्री, तुम जन्मी हो, तुमने ही मान्यताएं संभाला है, तुमने ही धरोहरों को, तो जन्मो ना अपनी ही एक भाषा, निर्विरोध संशोधन करो मान्यताओं में, सुनो गढ़ो ऐसी लिपि कि अनुवादित कर सके आंसुओं को सही से। धन्यवाद मेरी कविता को सुनने के लिए। नमस्कार, मैं नम्रता तिवारी लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करती हूँ। मैं जहांगीर आलम सर और अलका मैम को यह मंच प्रदान करने हेतु धन्यवाद प्रदान करती हूँ। मैं आपका समय न लेते हुए अपनी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। हमें गर्व है हम नारी हैं, हमें गर्व है हम नारी हैं, ना अबला ना बेचारी हैं। हमें गर्व है हम नारी हैं, ना अबला ना बेचारी हैं। बस आश्चर्य इस बात से है सदा अपनों से हम हारे हैं। सत्य हमने संघर्ष किया बहुत, राहों के शूलों को सहा बहुत, अकिंचन अकथ प्रयास किए फिर भी सजग निरंकारी हैं। हमें गर्व है नारी हैं, ना अबला ना बेचारी। पग पग जिम्मेदारियां साथ चले हाथों में कई कई हाथ चले। कभी बहन कभी बेटी पत्नी हमने अनेक रूप धरे। हर रूप में हम इस समाज में सदा साझेदारी हैं। हमें गर्व है हम नारी हैं, ना अबला ना बेचारी हैं। चाहत न किसी सम्मान की न प्रशंसा की प्यासे हैं। दो बोल जो मीठे बोल दे अपना संपूर्ण जीवन वारी है। हमें गर्व है हम नारी हैं, ना अबला ना बेचारी हैं। हमें गर्व है हम नारी हैं, ना अबला ना बेचारी हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सविता सिंह मीरा झारखंड जमशेदपुर से एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं एक नारी हूँ, किसी उपन्यासकार की एक खूबसूरत नायिका नहीं, न किसी शायर की गज़ल हूँ, न किसी कवि की कविता जो हमारे तन मन को अपने शब्दों से अलंकृत करे। न मैं मीरा, न मैं राधा, न मैं सीता, न मैं उर्मिला, न द्रौपदी, न यशोधरा, न सावित्री, न अहिल्या, ना मैं सती, ना मैं सबरी, ना तो मैं गरलमय बनूं, ना मंदिर में ही विराजूं, ना 14 वर्षों तक प्रतीक्षा करूं, ना अपने केशों को रक्तों से धोऊं, ना बेबस शिशु की माँ बनूं, ना किसी ऋषि का श्राप बनूं, ना प्रेम का प्रदर्शन करूं, ना तो विष देने वालों को खुद ही डसूं, मैं अपना अधिकार किसी को क्यों दूं भला, मैं ही क्यों त्यागी जाऊं और तुम्हें महान बनाऊं, मैं ही क्यों प्रतीक्षा करूं, क्यों दांव पर लगाई जाऊं, मैं क्या करूं, मेरा क्या हो, यह सिर्फ मैं जानूं, ये निर्णय लेने का सिर्फ मुझे ही अधिकार होना चाहिए, मैं ही सिर्फ क्यों सुनूं और तुम कहते रहो,
मैं तो परीक्षा देती रहूँ, तुम परीक्षक बनते रहो। मुझ में भी शक्ति थी, तभी तो मेरे बुलाने पर माँ धरती मेरे समक्ष आई और सभी के सामने मुझे अपने गोद में समाहित किया, ऋषि को महान बनाया और पाषाण हो गई। जो मैं त्याग कर जाती तो क्या गौतम बुद्ध की तरह मेरा नाम हो पाता? ना जाने कितने लांछन मुझ पर लगाए जाते, कितनी उपमाओं से मुझे उपमित किया जाता। अगर मुझ में शक्ति ना होती तो क्या रावण मुझे भी पवित्र छोड़ता? लेकिन मैंने सरलता से, सहजता से सब स्वीकार किया, सारे कथनों को अपना श्रृंगार किया। अब जन्म से लेकर के जननी तक मैं एक नारी संपूर्ण हूँ, सारे इस जगत का मैं एक आधा भाग हूँ। कोमल है, कमज़ोर नहीं, एक अद्भुत रचना हूँ मैं, मेधा और विद्या से परिपूर्ण एक जगत की चेतना हूँ मैं। हाँ, मैं स्त्री हूँ और यही मेरा अस्तित्व है। मुझे गर्व है कि मैं एक स्त्री हूँ। नमस्कार और धन्यवाद। नमन मंच। नमस्कार बहनों, मैं सुषमा दीक्षित शुक्ला लखनऊ से आप सभी प्यारी बहनों का एवं संपादक श्री जहांगीर जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्यारी बहनों, आप सभी को नारी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं अपनी एक रचना जो कि नारी सशक्तिकरण पर आधारित है प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ए मातृशक्ति अब जाग जाग, ए शक्ति पुंज अब जाग जाग, ए मातृशक्ति अब जाग जाग, ए शक्ति पुंज अब जाग जाग, रण चंडी बन तू स्वयं आज, मत बन निरीह नारी समाज। ए मातृशक्ति अब जाग जाग, ए शक्ति पुंज अब जाग जाग, उठ वो सशक्त भय रहा भाग, अब ला का चोला त्याग त्याग, चल अस्त्र उठा तज लोक लाज, शोषण काले जग से हिसाब। ए मातृशक्ति अब जाग जाग, ए शक्ति पुंज अब जाग जाग, भारत की नारी दुर्गा है, भारत की नारी सीता है, रणचंडी बन वो युद्ध करे, गीता सी परम पुनीता है। भारत की नारी दुर्गा है, भारत की नारी सीता है। माँ कौशल्या जसुदा बन कर जग को सौगात दिया उसने, लक्ष्मी बाई रजिया बन कर बैरी को मात दिया उसने, वह अनसुईया वह सावित्री वह पार्वती का मृदुल रूप, वह सरस्वती वह राधा है, माँ लक्ष्मी का अनुपम स्वरूप। इसको अपमानित मत करना, ए दुनिया वालों सुन लो तुम, सब नरक भोग कर जाओगे, अब कान खोल कर सुन लो तुम। ए मातृशक्ति अब जाग जाग, ए शक्ति पुंज अब जाग जाग, शोषण काले जग से हिसाब, मत बन निरीह नारी समाज, मत बन निरीह नारी समाज।
शोषण काले जग से हिसाब हे मातृशक्ति अब जाग जाग। नमस्कार। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा असीम नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से CFM मंच से आज एक बार फिर से आपके सम्मुख महिला दिवस के इस अवसर पर एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। महिलाएं तो बस सम्मान चाहती हैं, महिलाएं तो बस सम्मान चाहती हैं बदले में हर रिश्ते से फर्ज निभाती हुई भी अपमान ही पाती है, बदले में हर रिश्ते से फर्ज निभाती हुई भी अपमान ही पाती हैं। महिलाएं तो सम्मान चाहती हैं। शक्ति स्तंभ होते हुए भी समर्पित कर देती हैं अपने को, शक्ति स्तंभ होते हुए भी समर्पित कर देती हैं अपने को। वे प्रेम में कहाँ कोई व्यापार चाहती हैं, वो प्रेम में कहाँ कोई व्यापार चाहती हैं। महिलाएं तो केवल सम्मान चाहती हैं। बेटियां पराई हैं, बहू भी पराई है। वे अपने होने का एक अलग एहसास चाहती हैं। महिलाएं तो बस सम्मान चाहती हैं। ना देह से आंकी जाए ना वस्तु समझ के जांची जाए। जो सिरजक है पूरे संसार की अपने संसार का अधिकार चाहती है। महिलाएं तो बस सम्मान चाहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सभी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज आप सभी के समस्त एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरा विषय है नारी। मेरा नाम अंजू गोयल है, मैं हैदराबाद की हूँ। चलो मैं शुरू करती हूँ। अब नारी, नारी नहीं है किसी से कम, उसे कमाकना पुरुषों का है सबसे बड़ा भ्रम। नारी, नारी नहीं है किसी से कम, उसे कमाकना पुरुषों का है सबसे बड़ा भ्रम। एक ही नारी के होते हैं भिन्न भिन्न रूप, एक ही नारी के होते हैं भिन्न भिन्न रूप। कभी सीता बनकर पति की सेवा करती, कभी राधा बनकर कान्हा संग रास रचाती, कभी माँ बनकर बच्चों पर प्यार लुटाती, कभी दुर्गा बनकर शक्ति का रूप धारण करती। एक ही नारी के होते हैं भिन्न भिन्न रूप, कभी सीता बनकर पति की सेवा करती, कभी राधा बनकर कान्हा संग रास रचाती, कभी माँ बनकर बच्चों पर प्यार लुटाती, कभी दुर्गा बनकर शक्ति का रूप धारण करती। नारी ही तो सृष्टि चलाती। फिर क्यों कहते हैं नारी को पुरुषों की धूल। बल्कि नारी है खिलता हुआ फूल। नारी नहीं है लाचार, बस चाहती है आदर सत्कार। नारी के हर रूप को मेरा शत शत नमस्कार। धन्यवाद बहनों। नमस्कार, मैं निक्की शर्मा रश्मि मुंबई से CFM से जुड़े सभी रचनाकारों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं और महिला दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। महिला दिवस पर मेरी लिखी कुछ पंक्तियां आशा है आप सबको पसंद आएगी। नारी के सम्मान से सुखी होता परिवार, नारी के सम्मान से सुखी होता परिवार। नारी को भी है सभी नर जैसा अधिकार, नर जैसा अधिकार। प्रेम समर्पण त्याग से
बनता है परिवार। विश्वास सुमन को सींच दो आपस में प्यार, दो आपस में प्यार। नारी से पूर्ण जगत पाता है आधार, नारी से पूर्ण जगत पाता है आधार। उमार माँ के रूप में करती है यह प्यार, करती है यह प्यार। एक बार फिर से आप सबको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निकी शर्मा, रश्मि, मुंबई से। नमस्कार दोस्तों, मैं करमजीत कौर मलोट पंजाब से इस मंच के जरिए महिला दिवस के अवसर पर अपनी रचना कोई तुझे चलाए इससे पहले लेकर हाजिर हुई हूँ। उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब ना गिरधर तुम्हें बचाने आएंगे, नहीं तो ये जिस्म के लोभी तुझको यूं ही नोच नोच कर बलात्कार कर तुम्हारी जीभा काट कर तुमको मार मुकाएंगे। अगर फिर भी पेट भरा ना इनका तो जाते जाते तुझे जला भी जाएंगे। अब खुद को ही कुछ करना होगा, अब तुमको खुद को ही कुछ करना होगा, ये समाज के लोग ना कुछ कर पाएंगे। अब चूड़ी ब्रेसलेट खरीदना कर दो बंद, अब चूड़ी ब्रेसलेट खरीदना कर दो बंद, ये आभूषण अब तुम्हें बचाना पाएंगे। अपनी सुरक्षा के लिए सीखो जूडो कराटे, सीखो कैसे करना है बचाव अपना, अब सब यही तेरी रक्षा कर पाएंगे। उठो कि हौसला करो बुलंद अपना, उठो कि हौसला करो बुलंद अपना, सच करो हौसले से साकार अपना हर सपना। मत सोचो लड़की हो तुम, मत सोचो लड़की हो तुम तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अगर तुम मारी गई बलात्कारी के हाथों, क्योंकि अगर तुम मारी गई बलात्कारी के हाथों तो बहुत बुरा हुआ, बस यही तो कहेंगे। इसलिए खुद को कर लो बुलंद इतना कि पापी 100 बार सोचे पाप कमाने से पहले, कि कैसे मैं इसको उजाड़ने का अपना सच कर सकता हूँ सपना। कि तड़प जाए बलात्कारी, कि तड़प जाए बलात्कारी तुझको हाथ लगाने से पहले, कि तड़प जाए बलात्कारी तुझको हाथ लगाने से पहले, कि तू ही उसको जिंदा जला दे वो तुझे जलाए इससे पहले, कि वो तुझे जलाए इससे पहले। थैंक यू। मैं प्रिंसी सिंह कोलकाता से आप सभी के बीच आई हूँ। महिला दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। एक मुक्तक पेश करना चाहती हूँ आप सभी के बीच, सुनिएगा। कि मांगी ही पूरी ना हो तो वो मांग कैसे भरेगी, मांगी ही पूरी ना हो तो वो मांग कैसे भरेगी, फिर भला सम्मान कन्यादान का कैसे करेगी। क्या करे दूल्हे ही महंगे हो गए हैं, क्या करे दूल्हे ही महंगे हो गए हैं, फिर भला सिंदूर की पहचान वो कैसे करेगी, फिर भला सिंदूर की पहचान वो कैसे करेगी। दूसरा मुक्तक रखती हूँ आप सभी के बीच, सुनिएगा। कि अरे विधाता करनी तेरी अजब निराली है, अरे विधाता करनी तेरी अजब निराली है, कहीं दे रहा अंधकार तो कहीं दिवाली है। प्यार लुटाकर नारी ने जग रोशन कर डाला, प्यार लुटाकर नारी ने जग रोशन कर डाला, उसकी किस्मत में लिखी तूने बधा ली है, उसकी किस्मत में लिखी तूने बधा ली है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रेम कुमारी सेंगर आगरा से। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, सादर नमन करती हूँ। इसके साथ ही मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसका शीर्षक है नारी तुझे सलाम। मेरी पंक्तियाँ आपकी सम्मुख समर्पित हैं। नारी तुम कोमल हो, नारी तुम कोमल हो, अबला हो कमज़ोर नहीं, तुम शक्ति की प्रतिमूर्ति हो, जग को तुम ही हराती हो, अपने अंदर नव अंकुर प्रस्फुटित कर इस सृष्टि को चलाती हो। नारी तुम कोमल हो, अबला हो कमज़ोर नहीं, ईश्वर की तुम सुंदर रचना हो, ईश्वर की तुम सुंदर रचना हो, ममता की प्रतिमूर्ति हो, वात्सल्य से परिपूर्ण,
वात्सल्य से परिपूर्ण स्नेहमयी परिकल्पना हो। नारी तुम कोमल हो, अबला हो, कमजोर नहीं, पंख न होते हुए भी, पंख न होते हुए भी अंतरिक्ष हो आती हो, छोटे मोटे काम नहीं वायुयान तक तुम्ही उड़ाती हो। नारी तुम कोमल हो, अबला हो, कमजोर नहीं। शिक्षा जगत में भी तुम, शिक्षा जगत में भी तुम नाम कमाती हो, स्नेह प्यार प्रेम से बच्चों को पाठ पढ़ाती हो। कितनों ना जाने कितनों को पढ़ा पढ़ाकर तुम अधिकारी उन्हें बनाती हो। नारी तुम कोमल हो, अबला हो, कमज़ोर नहीं। नारी तुम शक्ति स्वरूपा हो, नारी तुम शक्ति स्वरूपा हो, यम को तुम्ही हराती हो। घर में पूजा अर्चन कर सत्यवान की सावित्री बन जाती हो, सत्यवान की सावित्री बन जाती हो। नारी तुम कोमल हो, अबला हो, कमज़ोर नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत पुनः आप प्रणाम। आप सभी को मेरी एक छोटी सी रचना, मैं खुद के लिए जरा सा जीना चाहती हूँ कि उम्र का एक बालिश्त हिस्सा बीतने के बाद मैं खुद के लिए जरा सा जीना चाहती हूँ, जो दबी रह गई समय की गर्त में इच्छाएं रंगने की छोटी कोशिश करना चाहती हूँ। जानती थी जमीन सुंदर ऊंचा आकाश है बहुत, बंधी जंजीर थोड़ी सी ढीली करना चाहती हूँ, और बाला किशोरी यौवना दौर गुजरे सालों साल प्रौढ़ सौंदर्य गुलाब सा महकाना चाहती हूँ। मैं उम्र का एक बालिश्त हिस्सा बीतने के बाद थोड़ा सा खुद के लिए जीना चाहती हूँ कि धूप छाँव की धुंधली चादर एक क्षण उतार कर ढलती सांझ की ओट में रोशन भोर चाहती हूँ। आशा के अंकुर फूटे कोमल पात सब भरे हुए, बढ़ चली आज कुछ प्रखर अटल स्वप्न लिए, घर परिवार बच्चे मित्र सखा और जीवन साथी संवेदनहीन चेहरों से जड़ बने सब मौन खड़े, जान रही देख रही हूँ खुश नहीं कोई कहीं, साहस देख मेरा मुझे बढ़ने को प्रोत्साहित किए, जितने अंतस झोली में आने वाले पास मेरे किया प्रण एक पर ना उन्हें व्यर्थ कभी जाने दूंगी, सबके लिए उम्र बिताई और जिया ये जीवन, मेरे हिस्से के कुछ पल अब अपने लिए जीऊंगी, मैं खुद के लिए जीऊंगी, मैं खुद के लिए जीऊंगी। नमन वंदन प्रणाम और शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं लीता पांडे दिल्ली से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जहांगीर सर और डॉक्टर अलका अरोड़ा मैम का हार्दिक धन्यवाद। इसी उपलक्ष्य में, इसी नारी दिवस पे मेरी एक छोटी सी कविता प्रस्तुत है। तूने अपने घूंघट को आसमा बना लिया, तूने अपने घूंघट को आसमा बना लिया, ऊंची थी उड़ाने घूंघट में थाम लिया, पल की झुकी और हुनर को हाथों में सजा लिया, और अपने सपनों का आसमा खुद ही बना लिया। अकेले नहीं सबको साथ लेके चली तू, अकेले नहीं सबको साथ लेके चली तू, स्त्री होने का मकसद सबको समझा दिया, आई थी मुसीबतें राह में अनेकों, आई थी मुसीबतें राह में अनेकों, देख तेरा ओज उन्होंने ठिकाना बदल लिया, बना ली है नई राहें तूने, बना ली है नई राहें तूने, देख तेरी प्रज्ञा अचंभित है ये समाज, लाज घूंघट का छोड़ सफलता की दहलीज में खड़ी है आज, लाज घूंघट का छोड़ सफलता की दहलीज में खड़ी है आज, नहीं रही अब वो बेचारी, नहीं रही अब वो बेचारी, अपने स्वाभिमान का उसने दायरा बदल लिया, अपने स्वाभिमान का उसने दायरा बदल लिया, नारी देखो, नारी देखो तुमने अपने अथक परिश्रम से, नारी देखो तुमने अपने अथक परिश्रम से युगो युगों का इतिहास रच दिया, युगो युगों का इतिहास रच दिया। आप सभी को महिला दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। माँ शारदे को नमन। आदरणीय जहांगीर आलम जी व डॉक्टर अलका मैडम जी को व मंच में उपस्थित सभी सह कवित्रियों व श्रोतागण को मेरा सादर प्रणाम। आज महिला दिवस के सु अवसर पर मैं अपनी स्वरचित कविता आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ, और धन्यवाद देती हूँ CFM न्यूज का, जिन्होंने मुझे इस मंच पर एक अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने का मौका दिया है। मेरी कविता का शीर्षक है नारी। शिकार तुम अपनी हवस का बनाते हो, मत बनाओ शिकार तुम अपनी हवस का,
कई रूप में साथ निभाती है। वो तो तुमको हर पल नया जीवन दिखलाती है। मत बनाओ शिकार उसे अपनी हवस का, कई रूपों में साथ निभाती है। वो तो हर पल जीवन का नया रूप दिखाती है। स्वर्ग से सुंदर संसार से वो परिचय तुम्हारा कराती है। जीवन की हर शैली रचकर तुमको इंसान वो बनाती है। कद्र करो नारी की 9 महीने 9 दिन 9 घंटे 9 पल अपनी कोख में हर संकट से तुम्हें बचाती है। डगमगाते हैं ना जब कदम तुम्हारे, डगमगाते हैं जब कदम तुम्हारे, झटपट तुम्हें संभालती है। डगमगाते हैं कदम जब तुम्हारे, झटपट तुम्हें संभालती है। चोट तुम्हें लगती है और आंसू वो बहाती है। चोट तुम्हें लगती है, आंसू वो बहाती है। कभी माँ बनकर कभी बहन बनकर सास बहू का रोल बखूबी निभाती है। मत बनाओ शिकार उसे अपनी हवस का, वो अपने जीवन की हर सांस तुम पर लुटाती है। वो तो नारी है, अपना सब कुछ तुम्हें सौंप जाती है। वो जीना तुम्हें सिखाती है, वो जीना तुम्हें सिखाती है। मत बहाओ रक्त उसका, मत बहाओ रक्त उसका। बूंद बूंद रक्त से तुम्हें बनाती है। नारी ही वह शक्ति है जो हर बात चुपचाप सह जाती है। काटती है दुख भरे जीवन को, काटती है दुख भरे जीवन को, पर तुमको कर्म योगी बनाती है। फूल उठाना था जिसको भारी, फूल उठाना था जिसको भारी, वो दुख भरे जीवन को हंस हंस कर काट जाती है। मत बनाओ शिकार तुम उसे अपनी हवस का, वो कई रूप में साथ तुम्हारा निभाती है। वो तुमको हर पल हर दिन हर समय एक नया जीवन से अवगत कराती है। जय हिंद, नमस्ते। महिला दिवस की शुभकामनाओं के साथ यहीं पर अपनी कविता को विराम देते हुए प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। गीतापति CFM न्यूज के माध्यम से। नमस्कार। नारी दिवस के उपलक्ष्य में प्रस्तुत है मेरी कविता जिसका शीर्षक है नारी। नारी निज मन की व्यथा कहो आज, इतिहास के पन्नों से निकलो तो जरा। पन्ना ने लहू के कतरे को बहा सींचा था, इतिहास आज के नारी तुम याद करो तो जरा। खून के रिश्ते नाते कोई निभाता नहीं, दर्द क्या होता है ये तुम पन्ना से पूछो तो जरा। न भूलो रानी लक्ष्मीबाई से बलिदानी को, या जुबानी उसकी कहानी हर बच्चे से पूछो तो जरा। अरुणा आसिफ ने हाथों में उठाया था ध्वज, चल रहे थे बहुत से नर नारी देखो तो जरा। जहर का प्याला राणा ने भेजा था, कान्हा मीरा पी गई देखो तो जरा। पद्मावत सुंदरता की मूरत क्या कसूर था, जौहर की अग्नि में खुद को झोंक देखो तो जरा। रजिया तुम भी आज कुछ कहो यूं, तुम्हारे सीने में भी दिल था कोमल सा जरा। सीता भी यहाँ वन वन भटकी लवकुश संग, सच के लिए देनी पड़ी उसे परीक्षा देखो तो जरा। सत्यवती जो पति के लिए लड़ी यमराज से, बचा लाई प्राणों को कीमत समझो तो जरा। कृष्ण ने दर्द सुना द्रौपदी पुकार में, दौड़े दौड़े आए चीर बढ़ाने को जरा। कल्पना तुम तोड़ी आसमान में हौसलों से, आज इतिहास में, आज दिलों में इतिहास बन गई हो जरा। नारी निज मन की व्यथा कहो आज, इतिहास के पन्नों से निकलो तो जरा। धन्यवाद। नमस्कार। मैं आरती श्रीवास्तव विपुला, जमशेदपुर झारखंड से। मैं CFM राइटर्स एसोसिएशन का
हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे इतने बड़े मंच पर आकर इस महिला दिवस पर बोलने का मुझे सौभाग्य प्रदान किया, और मैं आप सबको महिला दिवस पर हार्दिक हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मत रोको कदम उसका, सुनिएगा। मत रोको कदम उसका, बढ़ जाने दो आज उसे, तोड़ कर बेड़ियां सदा के लिए, हो जाने दो आजाद उसे। है वह आज की नारी, नहीं घबराती बाधाओं से, बढ़ा लेने दो कदम उसे, लांग लेने दो दहलीज उसे। बढ़ा लेने दो कदम उसे, लांग लेने दो दहलीज उसे। बहुत छली है दुनिया उसे, दुनिया को दिखलाने दो, उसके कदमों में भी दम है, आज उसे बतलाने दो, आज उसे बतलाने दो। पूरी दुनिया है उसके कदमों में, यह एहसास जग जाने दो, सफलता उसका कदम चूमे, ऐसा आज हो जाने दो, ऐसा आज हो जाने दो। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मैं सरिता त्रिपाठी लखनऊ उत्तर प्रदेश से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित इस कार्यक्रम में सभी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, और CFM एसोसिएशन का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस समारोह में उपस्थिति होने का मौका दिया। मैं अपनी कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ जो मैंने कोरोना के टाइम पे लिखा था महिलाओं के ऊपर। इसका शीर्षक है कोरोना योद्धा महिलाएं। इस महामारी में कोरोना योद्धा की तैयारी में, इस महामारी में कोरोना योद्धा की तैयारी में महिलाएं भी हाजिर हैं आगे बढ़कर निभाने में। इस महामारी में कोरोना योद्धा की तैयारी में महिलाएं भी हाजिर हैं आगे बढ़कर निभाने में। चाहे अस्पताल में नर्सें हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे अस्पताल में नर्सें हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, तन्मयता से डटे हुए सब कोरोना भगाने में, तन्मयता से डटे हुए सब कोरोना भगाने में। चाहे कोई अध्यापिका हो, चाहे वर्दी में पुलिस हो, चाहे कोई अध्यापिका हो, चाहे वर्दी में पुलिस हो, हर घड़ी तैयार खड़ी हो हर मुश्किल निपटाने में, हर घड़ी तैयार खड़ी हो हर मुश्किल निपटाने में। बंद पड़ा शहर का शहर, ऑफिस और दुकानें भी, बंद पड़ा शहर का शहर, ऑफिस और दुकानें भी, बंद पड़ा शहर का शहर, ऑफिस और दुकानें भी, बंद नहीं तो किचन उनका खड़ी मिली फरमाइश पे, बंद नहीं तो किचन उनका खड़ी मिली फरमाइश पे। जहां भांति भांति के लोग बिन मतलब के आते हैं, जहां भांति भांति के लोग नित बिन मतलब के आते हैं, उसी बैंक में माता बहने लगी हैं ड्यूटी निभाने में, उसी बैंक में माता बहने लगी हैं ड्यूटी निभाने में। अनुसंधान रहा अधूरा बिन महिलाओं की भागीदारी के, अनुसंधान रहा अधूरा बिन महिलाओं की भागीदारी के, किट वैक्सीन ड्रग्स सब जुटी हैं मिलकर बनाने में, किट वैक्सीन ड्रग्स सब जुटी हैं मिलकर बनाने में। इंजीनियरिंग का प्लांट हो चाहे शासन की कुर्सी हो, इंजीनियरिंग का प्लांट हो चाहे शासन की कुर्सी हो, तकनीकी का ज्ञान बांटने लगी है बढ़कर बताने में, तकनीकी का ज्ञान बांटने लगी है बढ़कर बताने में। चाहे ट्रेन में ड्राइवर हो चाहे फ्लाइट के पायलट हो, चाहे ट्रेन में ड्राइवर हो चाहे फ्लाइट का पायलट हो, हर क्षेत्र को मजबूती से लगी है वो संभालने में, हर क्षेत्र को मजबूती से लगी है वो संभालने में। किसी क्षेत्र का वर्किंग हो हर क्षेत्र में वो सहभागी है, किसी क्षेत्र का वर्किंग हो हर क्षेत्र में वो सहभागी है। झुकता है सिर हर शख्स का इन योद्धाओं के नमन में, झुकता है सिर हर शख्स का इन योद्धाओं के नमन में। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं नूर फातिमा खातून नूरी, जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश से CFM राइटर एसोसिएशन के सभी कवित्री बहनों का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ और मैं अपनी मौलिक रचना प्रस्तुत करती हूँ जिसका शीर्षक है नारी। नारी का जब जब अपमान हुआ है, नारी का जब जब अपमान हुआ है, तब तब जबरदस्त इंतकाम हुआ है, तब तब जबरदस्त इंतकाम हुआ है। नारी कोमल हृदय है कमजोर नहीं, नारी कोमल हृदय है कमजोर नहीं, उसके त्याग ममता का छोर नहीं, उसके त्याग ममता का छोर नहीं। वहाँ से तो पानी का फवारा लगे, वहाँ से तो पानी का फवारा लगे, गुस्साए तो दहकता ज्वाला लगे, गुस्साए तो दहकता ज्वाला लगे। तकलीफ में जब सुबह शाम हुआ, तकलीफ में जब सुबह शाम हुआ, तब तब जबरदस्त इंतकाम हुआ है, तब तब जबरदस्त इंतकाम हुआ है। नारी से घर गृहस्थी संवरता है, नारी से घर गृहस्थी संवरता है, उसके दम से कोना कोना महकता है, उसके दम से कोना कोना महकता है। वह कई रूप में मिल जाती है, वह कई रूप में मिल जाती है, माँ बहन बेटी के रूप में दिख जाती है, माँ बहन बेटी के रूप में दिख जाती है। घर के जगह कोठा जब मुकाम हुआ है, घर के जगह कोठा जब मुकाम हुआ है, तब तब जबरदस्त इंतकाम हुआ है, तब तब जबरदस्त इंतकाम हुआ है। कामयाब पुरुष के पीछे नारी का हाथ होता है, कामयाब पुरुष के पीछे नारी का हाथ होता है। जग जीतते जब नारी का हौसला साथ होता है, जग जीतते जब नारी का हौसला साथ होता है। जहाँ नारी खुशी का एहसास करती है, जहाँ नारी खुशी का एहसास करती है, बिन बुलाए ही लक्ष्मी घर में वास करती है, बिन बुलाए ही लक्ष्मी घर में वास करती है। बेखता जब नारी के सर इल्जाम हुआ, बेखता जब नारी के सर इल्जाम हुआ, तब तब जबरदस्त इंतकाम हुआ है, तब तब जबरदस्त इंतकाम हुआ है। नारी का जब जब अपमान हुआ है, तब तब जबरदस्त इंतकाम हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रंजना मिश्रा कानपुर उत्तर प्रदेश से एक लेखिका एवं कवित्री हूँ। CFM मंच पर महिला दिवस पर होने वाले ऑनलाइन कवि सम्मेलन के लिए मैं अपनी एक रचना स्थिति सुनाने जा रही हूँ। कुछ देखें बस मेरी काया, कुछ कहते हैं मुझको माया, कुछ देखें बस मेरी काया, कुछ कहते हैं मुझको माया, पर ना मुझको समझ सके वो पाना पाए मेरी छाया, पर ना मुझको समझ सके वो पाना पाए मेरी छाया। हाँ मैं पावन अग्नि सी हूँ, मैं पानी सी बहती कलकल, हाँ मैं पावन अग्नि सी हूँ, मैं पानी सी बहती कलकल, ठहर गई तो मोक्ष दिला दूँ, वरना हूँ लहरों सी चंचल, ठहर गई तो मोक्ष दिला दूँ, वरना हूँ लहरों सी चंचल। बिन मेरे सूना जग सारा, मैं सृष्टि की निर्मल धारा, बिन मेरे सूना जग सारा, मैं सृष्टि की निर्मल धारा। रही सदा अनबूझ पहेली जिसका कोई हल ना पाया, रही सदा अनबूझ पहेली जिसका कोई हल ना पाया। कुछ देखें बस मेरी काया, कुछ कहते हैं मुझको माया, पर ना मुझको समझ सके वो पाना पाए मेरी छाया। कभी रहूं श्रृंगार समर्पित, कभी विरह का ताप सहूं मैं, कभी रहूं श्रृंगार समर्पित, कभी विरह का ताप सहूं मैं, उर्मे निर्मल भाव समेटे मधुर मनोहर बात कहूं मैं, उर्मे निर्मल भाव समेटे मधुर मनोहर बात कहूं मैं। करती हूं जग का विस्तारण, सजन मेरी ही कोख समाया, करती हूं जग का विस्तारण, सजन मेरी ही कोख समाया। कुछ देखें बस मेरी काया, कुछ कहते हैं मुझको माया, पर ना मुझको समझ सके वो पाना पाए मेरी छाया, पाना पाए मेरी छाया। आज मैं आपके सामने अपने द्वारा लिखी एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको जरूर पसंद आए। कविता का शीर्षक है भूली हुई जिंदगी फिर जीना सीख रही हूँ। कटा करती थी जो जिंदगी उदासीनता के साथ, आज उसे जीना सीख रही हूँ। लहरों में डूबकर कश्ती को
संभालने की फिर कोशिश कर रही हूँ। कलम की सूखी स्याही को आंसुओं से भिगोकर खुशी के कुछ एहसास फिर कागज पर लिख रही हूँ। भूली हुई जिंदगी को फिर जीना सीख रही हूँ। मन के भीतर वो छोटी सी मुस्कान जो खो गई थी किसी अंधेरे में, फिर वो मुख पर सजा रही हूँ। कंठ में सुप्त स्वर फिर गुनगुना रही हूँ। भूली हुई जिंदगी को फिर जीना सीख रही हूँ। बहुत गुजर गई जिंदगी समझदारी में फिर बालपन की ओर लौट रही हूँ। बहुत गुजर गई जिंदगी समझदारी में फिर बालपन की ओर लौट रही हूँ। कुछ अटखेलियाँ मन को भा गई है, मैं फिर नादानियाँ कर रही हूँ। बचपन की बारिश में कागज़ की कश्ती का वो सफ़र फिर तय कर रही हूँ। भूली हुई जिंदगी को फिर जीना सीख रही हूँ। जीना भूल गई थी खुद के लिए फिर प्राणवान हो उठी हूँ। भूली हुई जिंदगी को फिर जीना सीख रही हूँ। माना कोई ना था प्रेम करने वाला मगर मेरे भीतर तो प्रेम था। अपने ही प्रेम से खुद को प्रेम कर रही हूँ। भूली हुई जिंदगी को फिर जीना सीख रही हूँ। मुरझा गई थी सूखे फूल की तरह आज फिर से खिल उठी हूँ। खुशी की पराकाष्ठा छू रही हूँ। भूली हुई जिंदगी को फिर जीना सीख रही हूँ। बुढ़ापे की ओर बढ़ती उम्र फिर जवान हो रही है। डगमग कदमों से मंजिल की ओर बहे जा रही हूँ। भूली हुई जिंदगी को फिर जीना सीख रही हूँ। दिल को थाम लिया मैंने धड़कनों की आवाज़ सुन रही हूँ। ताउम्र खुश रहने की कला सीख रही हूँ। भूली हुई जिंदगी को फिर जीना सीख रही हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना खूबसूरत कवि सम्मेलन समाप्त करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। बिल्कुल इस सफर को अनवरत जारी रखने का की अंदर से बहुत इच्छा है कि सभी कवित्रियां नारी सम्मान में एक से बढ़कर एक रचनाएं प्रस्तुत करें और हम इसी तरीके से इस सफर को बहुत दूर तक लेकर चलें। लेकिन हम मिलेंगे अगली कड़ी में, दोबारा मिलेंगे बहुत जल्दी, जहां हम नारी सम्मान की बातें करेंगे, नारी के विभिन्न रूपों से हम मिलेंगे और रूबरू होंगे। ये क्योंकि वक्त की अपनी एक सीमा है तो हम वक्त की इज्जत करते हैं तथा मैं वक्त को अपने में नहीं बांध के रख सकती, इसलिए मुझे ये कवि सम्मेलन आज यहीं पर समाप्त करना होगा। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ CFM राइटर्स एसोसिएशन का, जिस पटल पर आकर मेरी सभी 27 कवित्रियों ने इतना खूबसूरत कवि सम्मेलन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। और मैं सभी के साथ साथ मैं जहांगीर आलम सर का विशेष धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने CFM राइटर्स एसोसिएशन के मंच पर बहुत खूबसूरत नारी सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में इतनी खूबसूरत महफिल सजाई तथा हम सभी कवि कवित्रियों को आने का निमंत्रण दिया। आज की सभी कवित्रियों को मैं सादर नमन, वंदन, प्रणाम और शुभकामनाओं के पुष्प देती हूँ तथा जहांगीर आलम सर को भी विशेष धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने CFM राइटर्स एसोसिएशन जैसे मंच को उपलब्ध कराया सभी के लिए। और मैं हर नारी को, इस दुनिया की हर नारी सम्मान की अधिकारिणी है क्योंकि वो एक पूरी कायनात की रचयिता है। नारी के बिना इस दुनिया की कल्पना करना संभव ही नहीं, क्योंकि नारी ही इस समाज को जन्म देती है। तो मैं नारी को मैं अपनी तरफ से सैल्यूट देती हूँ। CFM राइटर्स एसोसिएशन की ओर से मैं दुनिया की हर नारी को सम्मान, स्वाभिमान और इतने अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को एक नए मुकाम पर ले जाने के एवज में मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ तथा मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद, अलविदा, शबा खैर, गुड नाइट, प्रणाम आप सभी को जी।